प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेब्स 2024 में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर कुरुम स्कूल ऑफ एडवांस साइंसेस लखनऊ, जो कि यूएसए स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस का भारत स्थित शोध केंद्र है। मेरे प्रेजेंटेशन का जो विषय है वह है प्राचीन वैदिक साहित्य और मानवाधिकार, सुसंगतता एवं असंगतता। इस संपूर्ण प्रेजेंटेशन को दो तीन भागों में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार मनुष्य के किन मापदंडों से संबंधित होता है? उसका संबंध मानव जीवन के किन आयामों से है? उसको देखेंगे। उसके पश्चात मानवाधिकारों की चर्चा भारत सहित विश्व के प्राचीन साहित्यों में कहाँ कहाँ साक्ष्य उसके मिलते हैं, कहाँ कहाँ उसके संबंध में वर्णन किया गया है, प्राचीन काल के जितने भी साहित्य हमारे पास उपलब्ध हैं उसकी चर्चा थोड़ी सी हम लोग करेंगे। उसके पश्चात मानवाधिकार वैदिक साहित्य में किन रूपों में दिखाई पड़ता है और वर्तमान में जो मानवाधिकार की संकल्पना है उसका क्या स्वरूप वैदिक साहित्यों में है, उससे किस प्रकार की सुसंगतता है, और अगर असंगतता है तो वह असंगतता किस रूप में है या हम उसको किस रूप में समझ सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। मानवाधिकार जैसा कि इस नाम से अभिप्राय है कि यह मनुष्य से संबंधित है और ये मूलभूत अधिकार होते हैं और ये कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है। यह व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता और उसकी समाज में सामाजिक स्थिति में उसकी समानता, ये सभी चीजों को सुनिश्चित करती है और इनका उद्देश्य समाज में न्याय, समानता और शांति को बढ़ावा देना है। मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौम और अनिवार्य रूप से उनकी व्यक्तिगत गरिमा से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा माना जाता है। कुछ मानवाधिकारों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सभी मानवाधिकारों की श्रेणी में आते हैं। मानवाधिकारों के संबंध में जो प्राचीन उल्लेख की बात है वह उरुकागिना सुधार 2350 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया के उरुकागिना नामक सुमेरियन शासक द्वारा किया गया। उसके जो प्रमुख तत्व थे उस सुधार के, उसमें सामाजिक समानता, कर में कमी, कानूनी बहुत सारे सुधार और धार्मिक प्रभावों की कमी। तो ये जो उरुकागिना सुधार था यह भी एक मानवाधिकार से संबंधित था, क्योंकि ये मानवीय गरिमा और मानवीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला सुधार था। आगे हम बात करें तो नियो सुमेरियन कोड उर नम्मू 2520 ईसा पूर्व, हम्बुराबी कोड 1780 ईसा पूर्व, इन सब में जो इस ये कोड आया या ये जो सुधार हुए उसमें लड़कियों की मुक्ति, महिलाओं के को अधिकार देने की बात थी, पुरुषों को भी अधिकार देने की बात थी और गुलामों के अधिकारों के बारे में कानूनों का उल्लेख था। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों में व्यापक रूप से कमी दिखाई पड़ती थी और इन सभी सुधारों के माध्यम से उसमें कुछ छूट, सहूलियत देने का प्रयास किया गया। प्राचीन मिस्र की बात करें तो उसकी जो उत्तर पूर्वी अफ्रीकी संस्कृति में बुनियादी मानवाधिकार को बढ़ावा देने का प्रमाण फिरौन वो कोसिस 725 से 720 ईसा पूर्व के निर्णयों में मिलता है, जिसमें समान अधिकारों को मजबूत किया गया, ऋण बंधन को दबाना और भूमि हस्तांतरण के नियमों में सुधार करना, ये सभी सुधार प्रमुख रहे। ग्रीस की बात करें तो प्राचीन ग्रीस में प्रारंभिक नगर राज्यों में लोकतंत्र की अवधारणा देखी जा सकती है, जहां सभी नागरिकों को राजनीतिक सभा में बोलने और मतदान करने का अधिकार था। तो जो जहां पे इन्वॉल्वमेंट मनुष्यों का डायरेक्ट शासन सत्ता से या उनके अपने जीवन के किसी निर्णयों से होता था, तो इसको मानवाधिकारों की कुछ से जोड़कर देखा जाता था और ये माना जाता था कि मनुष्य की गरिमा का ध्यान समाज भी रख रहा है और शासक वर्ग भी रख रहा है। प्राचीन रोम की बात करें तो 451 से 450 ईसा पूर्व में 12 कांस्य पट्टिकाओं पर उकेरे गए 12 टेबलों के कानून ने रोम
रोमन कानून की नींव रखी और प्रिविलेजिया ने इरोगेंटो की अवधारणा को स्थापित किया, जिसका अर्थ है विशेषाधिकार लागू नहीं किए जाने चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब किसी भी समाज में विशेषाधिकारों का अंत होता है, तभी मानवीय गरिमा, जो समाज में जितने भी मनुष्य रह रहे हैं उनको एक समानता का अधिकार प्राप्त होता है और मानवीय गरिमा उच्चता की तरफ बढ़ती है। धर्मों की बात करें तो विभिन्न धर्म और संप्रदाय जितने भी हैं उनमें भी मानवाधिकारों की बात की गई है। हिंदू धर्म में अहिंसा, सत्य, कर्तव्य की महत्ता, गरीबों और अक्षमों के प्रति सहानुभूति पर जोर देना, ये सभी मानवाधिकारों की श्रेणी में हिंदू धर्म में काफी बातें मिलती हैं। इस्लाम में भी पैगंबर मोहम्मद ने अरबों के बीच प्रचलित जो दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधियां थी, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, गरीब और कमजोरों का शोषण करना, सूदखोरी, हत्या, झूठे और चोरी इत्यादि की घटनाओं को खत्म कर मानवाधिकारों को बढ़ाने का प्रयास किया। ईसाई धर्म में सुनहरे नियम का दावा करते हुए कहता है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ वैसा हो। हिंदू धर्म में भी महाकाव्यों में, महाभारत में ऐसी बातें मिलती हैं। यहूदी धर्म मानव को सम्मान और समानता के साथ जीवन यापन करने और उसको आगे बढ़ने की बात करता है। यहाँ पे भी मानवीय गरिमा की ही बात है। कन्फ्यूशियस बात भी कहता है कि किसी पर वह बल न डालें जो आप स्वयं नहीं करना चाहते, जो आप अपने नहीं करना चाहते वह किसी पर फोर्सफुली हमें नहीं करना चाहिए। और बौद्ध धर्म भी जाति और पद की असमानताओं को त्यागने, समान भाईचारा बढ़ाने और मुक्ति की बात करता है। हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात 1948 में की गई। यह व्यक्तिगत अधिकार या मानवाधिकारों को लेकर एक संहिताबद्ध कानून था जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी स्वीकृति मिली, और यह एक ऐसा दस्तावेज था जो मनुष्य की गरिमा, उनके कर्तव्य, उनके अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करता है। वैदिक साहित्य में भी मनुष्य की गरिमा, कर्तव्य और अधिकारों का उल्लेख है, और बहुत सारी चीजें जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आती हैं वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वैदिक साहित्यों की जो मानवीय गरिमा या मानवाधिकार की बात है उससे मेल खाती हुई प्रतीत होती है। मानवाधिकार के संबंध में बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। कुछ एक जैसे थॉमस जेफरसन ने प्राकृतिक अधिकार को ही मानवाधिकार की श्रेणी में रखा, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज की बात थी। इसी प्रकार बेंथम, जॉन लॉक, मार्क्स, मैक क्लास्की और प्राकृतिक अधिकार के जो सिद्धांतकार थे, इन सब ने मानव जीवन से संबंधित जितने भी मानवीय गरिमा को बढ़ाने वाली मापदंड थे उनको मानवाधिकारों से संबंधित करके अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की। ये सब आप देख पा रहे होंगे। अधिकार बनाम दायित्व, इसको लेकर काफी चर्चाएं चलती हैं। जब मानवाधिकार या किसी अधिकार की बात होती है तो वहां पर कर्तव्य अर्थात दायित्व की भी बात आती है। पश्चिमी दृष्टिकोण में ऐसा माना जाता है कि अधिकार पहले है और दायित्व बाद में है। भारतीय दृष्टिकोण दायित्व को प्रधानता देता है, दायित्व को प्राथमिकता देता है और कर्तव्य को प्रमुखता देता है, और कर्तव्य के बाद अधिकार की बात ऐसे भारतीय परंपरा में की जाती है। भगवद गीता में भी कर्म करने का पर ही आपका अधिकार सिर्फ कर्तव्य करने का है, फल का जो अधिकार है बाद में, जो अधिकार की बात है जहाँ पश्चिमी दृष्टिकोण में अधिकार पहले है, भारतीय दृष्टिकोण में बाद में है, वो आपके कर्तव्य के अनुसार आपको प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य हम वेद विद धातु से निकला है जिसका अर्थ है ज्ञान और विवेक। सबसे पुराने जो पवित्र उस उपलब्ध दस्तावेज हैं जो लिखित हैं वह वैदिक साहित्य माने जाते हैं। नार्लिकर कहते हैं कि वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा द्वारा आगे बढ़ाया गया था। कोलर कहते हैं कि वैदिक दार्शनिकों ने स्वयं के बारे में, अपने चारों ओर की सृष्टि, अपनी स्थिति, इन सब के बारे में प्रश्न उठाए। ज्ञान क्या है, उसका मूल क्या है, हवाएं क्यों चल रही हैं, सूर्य को आकाश में किसने स्थापित किया जो गर्मी प्रकाश इत्यादि का दाता है, इन सभी वैचारिक चिंतनों का प्रारंभ वेदों में हुआ, ऐसा कोलर का कहना है। मैक्स मूलर का मत है, जो वेदों की वेद कितने पुराने हैं इन सब को लेकर, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, इंडो आर्यन माइग्रेशन सिद्धांत,
या आउट ऑफ इंडिया थ्योरी जो ये मानती है कि वैदिक हड़प्पा सभ्यता के दौरान वैदिक दृष्टिकोण भारत में पहले ही स्थापित था और भारत से ही ये मध्य एशिया में गया। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे लोगों का मत है जो ये मानते हैं कि वैदिक काल की स्थिति कब है। सामान्य रूप से वैदिक काल को 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन ये वह स्थिति है या वह कालखंड है जब वेदों को संहिताबद्ध किया गया था। ये पूरा वैदिक लिटरेचर है जहां श्रुति स्मृति, श्रुति के अंदर चार वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद हैं, चार वेद ऋग्वेद यजुर सामवेद अथर्वेद, और आप देख रहे होंगे उसके पश्चात वेदांत हैं, इतिहास, उपवेद, पुराण, दर्शन, इन सभी को सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य कहा जाता था। श्रुति क्या है? वे ग्रंथ हैं जो सुनाए गए और शाश्वत अपरिवर्तनीय है, जबकि स्मृति ग्रंथों श्रुति ग्रंथों के ही स्मृति ग्रंथ पूरक हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। वेद हुए, वेद के बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद, ये पूरी एक परंपरा है और इनको सम्मिलित रूप से उसके पश्चात दर्शन और जो महाकाव्य, इन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग वैदिक साहित्य कहते हैं। अब हम दो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सुसंगतता और असंगतता, ऋग्वेद, महाभारत और उपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ धर्म के दृष्टिकोण से नैतिक शासन, सामाजिक समरसता और नैतिक उत्तरदायित्व पर चर्चा करते हैं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार को मार्गदर्शित करने वाला सार्वभौम नियम है। वैदिक सिद्धांत और आधुनिक मानवाधिकारों की बात करें तो जैसे अभी कर्म की अवधारणा वेदों में भरपूर पाई जाती है, और आधुनिक मानवाधिकार जो भारतीय दृष्टिकोण से देखा जहां 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 कर्तव्य प्रधान है, उसमें भी हम कर्म करते हैं और उसके अनुरूप हमें फल प्राप्त होता है, वही हमारा अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता और कानून का शासन, आजकल रूल ऑफ लॉ की बात है, सेकुलरिज्म की बात है। ये सेकुलरिज्म वैदिक साहित्यों में देखा जाए तो वैदिक साहित्य बृहदारण्यक उपनिषद में न्याय, समानता, इन सब पर जब जोर दिया जाता है, तो ये वर्तमान में जो सेकुलरिज्म या कानून के शासन की बात है वह उसी तरफ इंगित करता है। इसी प्रकार महिलाओं के अधिकार देने की बात है तो वैदिक ग्रंथों में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया, बहुत सारी ऋचाएं महिलाएं रचती हैं, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जो ग्रंथों में है, तो उसमें मानवीय गरिमा को एक स्थान पर स्थापित, एक आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। शाश्वत नैतिक नियम जो रीत की व्यवस्था थी, वह नीतिगत तरीके से व्यक्ति की गरिमा और संपूर्ण ब्रह्मांड के तंत्र को नैतिक रूप से आगे बढ़ाने में सहायक थी। शासन सत्ता के स्तर पर देखा जाए, एक व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर के बाद शासन सत्ता के स्तर पर, तो वैदिक शासक ऐसा संप्रभु था जो धर्म के अधीन था, जिसमें निरंकुशता को रोकने के लिए लोकमत, मंत्री और प्रथागत कानून जैसे नियंत्रण थे। यह आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों से मेल खाता है, जहां शासक कानूनों के द्वारा निर्देशित होते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसा वैदिक साहित्यों में भी ऐसे राजाओं का और उनके राजतंत्रों का उल्लेख है। वैदिक ग्रंथों में राजनीतिक नैतिकता की भी चर्चा है, जहां राजा के कर्तव्य, आधुनिक संबंध में देखा जाए तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सब की जो बात है वह हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में भी दिखाई पड़ता है। ये सुसंगतता की बात थी। अब हम असंगतता को देखते हैं। वेदों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण समग्र और दायित्व आधारित है, वहीं व्यक्ति अधिकारों का दृष्टिकोण मुख्य रूप से व्यक्तिगत नहीं है। वैदिक साहित्य में मानव अधिकारों की तुलना में दायित्व, जिम्मेदारी, सामाजिक और सामुदायिक लाभ पर अधिक जोर दिया गया। हम लोगों ने पहले देखा कि हमारे यहाँ कर्तव्य की व्यवस्था थी, और अगर हम कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसके अनुरूप फल मिलेगा, और जो फल होगा वह हमें हमारा अधिकार होगा। लेकिन जब हम पश्चिमी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे अपने वैदिक ग्रंथों को, तो जो जहां पर अधिकार पहले है, कर्तव्य दायित्व बोध बाद में है, तो उस रूप में हमें कहीं असंगतता या इस प्रकार की दृष्टि दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं या बहुत सारे लोगों ने दिया कि भारत में वैदिक साहित्य में मूल अधिकार या मानवाधिकार के को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए।
और सामान्य रूप से देखें तो वैदिक साहित्य में मानवाधिकार अमूर्त रूप में था, जिसे आधुनिक युग में मूर्त रूप दिया गया। आधुनिक अधिकारों का उत्तरदायित्व तो मनुष्य को केवल उनके जन्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, जबकि वैदिक काल में केवल मानव के रूप में जन्म लेने के आधार पर किसी अधिकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। जब तक आप कर्तव्य नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसे वैदिक ग्रंथों या वैदिक साहित्य की मान्यता थी। मानवाधिकार असीमित नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सामाजिक सामंजस्य और संतुलन में बाधा इससे उत्पन्न हो सकती है। और UDHR के अनुच्छेद 29 में भी ये कहा गया कि ये अधिकार दूसरों के उचित अधिकारों तक सीमित हैं और प्रत्येक व्यक्ति का अपने साथियों के प्रति सामाजिक और मौलिक दायित्व तो होता है। मानव अधिकार, मानव दायित्व तो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, न एक दूसरे को प्रभावित करने वाले। जिस प्रकार की बात वैदिक साहित्यों में की गई, वही बात यहाँ पर है। वैदिक ग्रंथ में एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे की जिम्मेदारी से उत्पन्न होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। असंगतता की बात हम कर रहे हैं तो एक वर्ण प्रणाली, वर्ण आधारित सिस्टम जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार था, जिसने समाज को चार भागों में विभक्त किया। और कैसे हुआ? चातुर्वर्ण में अषष्ट, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर भगवद गीता में इसे कहा गया। बाद में स्थितियां ऐसी आई कि उनको जाति व्यवस्था में बांटा गया और जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का एक वर्ग विभेद पैदा किया गया। ये वास्तविकता रही जिस पर खुलकर लोगों ने बात की। अंबेडकर ने भगवद गीता द्वारा जो वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसको भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण में अशिष्टा, गुण कर्म विभाग से, उसका समर्थन अंबेडकर करते हैं। लेकिन वो जन्मजात तरीके से जिस प्रकार ऊंच नीच का भेदभाव किया गया, उसका वो विरोध करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस में वैश्य और शूद्र वर्ण को लेकर कि किस प्रकार से शूद्र वर्ण का कार्य जो सेवा करना बताया गया है, वह सेवा करने का कार्य अन्य सभी वर्णों का है, ये व्याख्यायित करने का प्रयास प्रोफेसर बलराम सिंह सर और डॉक्टर अपर्णा धीर खंडेलवाल ने अपने शोध पत्रों के माध्यम से किया है कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम्। तो अपि शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी सम्मिलित करता है। इसी प्रकार मेरा खुद का और प्रोफेसर सिंह का साथ में एक काम है कि वैश्य वर्ण को लेकर, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो इसमें कृषि गौरक्ष और वाणिज्य को थोड़ा सा नए तरीके से परिभाषित करने का प्रयास है, जहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी के संरक्षण अपने क्रिएटिव कार्यों के माध्यम से करने की बात है, जिसमें पंच महाभूतों के संरक्षण की बात है। ऐसा कुछ प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस कर रहा है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य में मानवाधिकारों की अवधारणा अमूर्त रूप में है, जिसे आधुनिक व्यवस्था में मूर्त रूप दिया गया है। वैदिक साहित्यों में चूंकि कर्तव्यों की बात अधिक है और उन कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप अधिकारों की बात होती है, तो इसीलिए सामान्य रूप से जब हम मानवाधिकारों को या वर्तमान संबंध संदर्भ में जो मानवाधिकार की परिभाषा है या पश्चिमी मानवाधिकार की परिभाषा को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ता है कि वैदिक साहित्यों में मानवाधिकार की बात उस रूप में नहीं दिखाई पड़ती। इन सब के बावजूद भी वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से मानवाधिकार को लेकर उल्लेख है। मानव की गरिमा किस प्रकार बढ़ाई जाए, उन सब का उल्लेख मिलता है। और एक सुसंगत जीवन कैसे प्राप्त कर सके, इन सब का उल्लेख प्राप्त होता है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।